तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 15 दिसंबर 2023, मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया पर चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभंक रहेगा 7, शुभरंग रहेगा सिलेटी, शुभ दिशा रहेगी ईशान, राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक, रवि योग रहेगा सुबह 8:10 से लेकर के अगले दिन सुबह 6:24 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:26 से लेकर के शाम को 6:40 तक। ये प्रदोष का समय है और विशेष क्या है, आनंद योग बन रहा है और ऐसे में धैर्य लक्ष्मी के पूजन का विधान है। और हमारा जो स्पेशल उपाय है, विशेष उपाय, वो भी माता धैर्य लक्ष्मी से ही जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन भविष्य फल में सबसे पहले बात करेंगे राशिफल की। मेष, दफ्तर में विरोधियों से सतर्क रहें, निवेश से लाभ होगा, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपाय ये करेंगे पूजा घर में शक्कर चढ़ाएं। वृष, कामकाज में सफलता से आत्मबल बढ़ेगा, निवेश से लाभ होगा, संतान के कारण तनाव में रहेंगे, भाषा पर काबू रखें, उपाय ये करेंगे मुल्तानी मिट्टी से मस्तक पर तिलक करें। मिथुन, पुराने आर्थिक मामले सुलझेंगे, मित्रों के सहयोग से काम पूरे होंगे, घरेलू परेशानी हल होगी, फिजूल के खर्चों से बचें, उपाय ये करेंगे गुलाबी पेन से ह्रीम लिखकर तिजोरी में रखें। कर्क, गुस्से पर काबू रखें, बेकार के विवादों से बचें, गाड़ी संभल कर चलाएं, चोट लगने के योग हैं, छात्रों की पढ़ाई में रुचि रहेगी, उपाय ये करेंगे पूजा घर में अबीर चढ़ाएं। सिंह, फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, रोजगार के प्रयास सफल रहेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, पुराने विवाद सामने आएंगे, उपाय ये करें कि चावल के दाने जल प्रवाह करें। कन्या, कामकाज में कुछ बदलाव आएगा, दफ्तर में कामकाज का बोझ रहेगा, मित्रों के साथ में घूमने जाएंगे, सेहत पर ध्यान दें, उपाय ये करें कि टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करें। तुला, परिजनों की सेहत पर ध्यान दें, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, आंखों के विकारों से परेशान रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, उपाय ये करें कि फलों का सेवन करें। वृश्चिक, जोखिम भरे कामों से बचें, वाहन के प्रयोग में सतर्क रहें, सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, शत्रुओं से सतर्क रहें, उपाय ये करें कि घर के दक्षिण पूर्व दिशा में दीपक जलाएं। धनु, खर्चों में बढ़ोतरी के योग हैं, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जीवनसाथी के साथ में विवाद की संभावना है, वाद विवाद से दूर रहें, उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र के निमित्त शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मकर, संपत्ति के कार्यों से लाभ होगा, पिता से आर्थिक सहयोग मिलेगा, दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी, सेहत पर ध्यान दें, उपाय ये करें कि आलू से बने हुए पकवान खाएं। कुंभ, रुके हुए काम पूरे होंगे, खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, सोच समझ कर कारोबार में निवेश करें, गुस्से की अधिकता रहेगी, उपाय ये करें कि लक्ष्मी जी पर लाल फूल चढ़ाएं। मीन, भाषा पर संयम रखें, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मानसिक तनाव रहेगा, खास दोस्तों से मुलाकात होगी, उपाय ये करें कि इच्छा अनुसार मखाने की खीर खाएं। तो दोस्तों, अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो आर्थिक हानि से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए, खास दिन है, ये दिन है मार्गशीर्ष महीने का शुक्रवार और तृतीया तिथि, ऐसे में धैर्य लक्ष्मी के पूजन का विधान, तो क्या करें आप, आर्थिक हानि से मुक्ति पाने के लिए माता धैर्य लक्ष्मी का पूजन करें और माता महालक्ष्मी पर चढ़े हुए चावल पक्षियों को डाल दें और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम वीर लक्ष्मी नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, आर्थिक हानि से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।